For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी हाँ दोस्तों, तो अब कहानी में आगे आने वाली है मिसेज एस गोयनका, वो की है सुहासिनी गोयनका। ये तो हम आपको पहले बता ही चुके थे और ये भी बता चुके थे कि दादी किसी बड़े मकसद से ही आई हैं कि वो कार्तिक और नायरा को मिलवाकर एक दूसरे के साथ वापस ले जाएं उदयपुर। ऐसे में देखना ये है कि कहानी में वो ये सब कैसे करती हैं अकेले और क्या उनका कोई साथ देता नजर आएगा अभी आगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब देखिए ना, जहाँ पर अब कार्तिक के सामने ही हम आपको बता चुके थे कि दादी डांट देगी नायरा को और कार्तिक देता नजर आएगा उसके साथ, तो ये भी जान लीजिए अभी जैसे ही दादी आएंगे तो कार्तिक और नायरा दोनों उठकर एकदम से जाएंगे दादी का आशीर्वाद लेने। ऐसे में पूरा कॉलेज ये देखकर काफ़ी शॉक रह जाएगा कि आखिरकार नायरा क्यों गई वहाँ पर। जहाँ अब आपको देखना ये होगा कहानी में इंटरेस्टिंग कि कैसे नायरा छुपाती है या फिर सबको बता देगी अपनी और कार्तिक के रिश्ते के बारे में। जहाँ पर अगर उसने ये बता दिया तो कार्तिक का क्या रिएक्शन होगा पूरे कॉलेज के सामने और कैसे दादी इन सब के सामने साथ देती नजर आएगी कार्तिक और नायरा को और एक दूसरे करीब लेकर आएगी। ये सब देखना होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कितना दादी का आशीर्वाद अब ये काम करता है कार्तिक नायरा पर। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.